लीजिए, आज आप लोगों के लिए एक और ड्रिंक बना रहे हैं जिसका नाम है वाटरमेलन एंड इलीची मॉकटेल। चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, इलीची मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कैंड, इसका पानी आप ड्रेन कर लेंगे बिल्कुल, थोड़ा सा आप इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन हाफ कप समझ लें आप इसका रख लेंगे। बाकी आपको चाहिए वाटरमेलन, इसके लिए सीड्स आपको निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए लाल शरबत, आप देख रहे हैं आप जामे शेरी इस्तेमाल कर लें या रू अफ़ज़ा, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। बेसिकली दोनों का जायका करीब करीब ही होता है, लेकिन जो आपको पसंद है, लेमन जूस इस्तेमाल करेंगे और बीच में जाएगी आइस आपकी पसंद की, जितनी ज़्यादा आप चाहते हैं। तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। आप लेंगे उसमें आप जो है वाटरमेलन के पीसेस बीच में डालेंगे, इसे अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे, जब अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएगा इनटू अ जूस, फिर आप इसको जो है छान लेंगे थ्रू अ सीव के साथ में, ताकि जितने भी पिप्स होंगे बीच में इसके जो सीड्स वगैरह वो तमाम निकल जाएंगे। ग्राइंड कर लें और इसको सीव के बाद आप इसको छान लेंगे ताकि कोई भी जो बीच में सीड्स वगैरह तमाम निकल जाएंगे, आपकी लाइफ ईजी कर देते हैं, वरना ये काफ़ी टाइम लग जाता है इसके सीड्स निकालते हुए। ये देख लें ठीक हो गया। अब आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या। लेने के बाद वापस ब्लेंडर में जाएगा, इसमें जाएगा जो कि थोड़ा सा जूस है लीची का और लीची के पीसेस जा रहे हैं, ये चले गए। लेमन जूस आप डालेंगे। देखिए अब यहाँ पर बात आ गई दोबारा मीठे की, लीची भी मीठी होती है, आजकल वाटरमेलन तो बहुत ही ज़्यादा मीठे आ रहे हैं। बीच में जो हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा जायका देने के लिए और थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर देने के लिए, मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर जामे शेरी, ये चला गया। अगर आपको मीठा और चाहिए तो आप बेशक और ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको पहले अच्छी तरह ग्राइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम डालेंगे बीच में आइस। परफेक्टली हो चुकी ब्लेंड, इसमें अब डालेंगे आइस। देखिए आइस ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा आपको रिफ्रेशिंग और ठंडा जो है ना जायका फीलिंग देगा, क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी है, ठंडी ड्रिंक्स का ज़्यादा शौक रखते हैं लोग। आइस ज़्यादा डालें, अब इसको ब्लेंड कर लें। आइस क्रश हो जाने पर आप इसे ग्लासेस में सर्व करते हैं, ठंडा ठंडा इसको सर्व कीजिएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए, पे आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।